और एक और महत्वपूर्ण खबर, सीकर जिले में लगातार हो रही बरसात में जिला प्रशासन के सभी दावों की पोल खुल चुकी है। नवलकर रोड पर पूर्ण तौर से आवागमन बंद हो चुका है। बजाज रोड, बकरा मंडी और शहर की निचली कॉलोनियों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। शहर की एक दर्जन से अधिक कॉलोनियों में पानी भर चुका है। वहीं दूसरी ओर जिले भर में भी बरसात का दौर जारी है। निमका थाना, लक्ष्मणगढ़, शेरमाधोपुर, खंडेला, लोसल तहसीलों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो साथ साथ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि मौसम की मार की वजह से जनजीवन कैसे प्रभावित हुआ है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। लोगों की दिनचर्या काफी डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि घर से बाहर निकलना, बच्चों को स्कूल जाना, लोगों को ऑफिस जाना, लेकिन लोगों का जीना मुहाल हो चुका है इस बारिश की वजह से। सरकार के, नगर निगम के तमाम दावे इस पानी में धुल चुके हैं, बह चुके हैं। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। तो लगातार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पानी पानी हो चुका है सीकर, और सीकर की ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऊंचाई से ली हुई इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि शहर का, इलाके का क्या आलम है, क्या हाल है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ लोगों के मकान और पानी आपको दिख रहा है, कहीं भी कोई बाहर निकला हुआ नहीं दिख रहा है। यानी जिंदगी ठप पड़ गई है इस बारिश की वजह से। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, गाड़ियों का परिचालन भी रुक चुका है, क्योंकि आप तस्वीरें देख सकते हैं, शांत पड़ा हुआ है ये पूरा इलाका। सीकर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 घंटे में सबसे चौंकाने वाली बात की 12 घंटे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 210 mm बारिश भी दर्ज किया जा चुका है, और यही वजह है कि काफी परेशानियां लोगों को हो रही है। हम भी आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने घरों से तभी बाहर निकले जब बहुत जरूरी काम हो, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से और इलाके में जलजमाव की वजह से परेशानियां काफी बढ़ चुकी हैं।